बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये एमएससी मैथ पार्ट फर्स्ट के लिए है और री एनालिसिस लिमिट चैप्टर। और आज जो पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़ बाउंडनेस ऑन अ नेबरहुड। बाउंडनेस ऑन अ नेबरहुड, बाउंडनेस ऑफ अ फंक्शन ऑन अ नेबरहुड। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन। ए डोमेन है, एफ रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये सबसेट ऑफ आर रियल नंबर्स का सबसेट है, और सी अगर क्लस्टर पॉइंट है ए का, देन अगर कोई फंक्शन जो है दैट इज़ फ्रॉम ए टू आर, उसे हम कहेंगे कि ये बाउंडेड ऑन नेबरहुड ऑफ सी। बाउंडेड होगा अगर देर एग्जिस्ट आ डेल्टा नेबरहुड, अगर एक डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट करता है सी का, और एम एक एलिमेंट है पॉजिटिव रियल नंबर नंबर्स का, सच दैट एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या हो, एम हो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो एफ है ये बाउंडेड है ऑन नेबरहुड ऑफ सी। कब नेबरहुड होगा सी का, कि अगर एक डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट करता है सी का, दूसरा एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो, एम, फिर एम क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। इसे कहते हैं बाउंडनेस ऑन अ नेबरहुड, ठीक है। इसके बाद थ्योरम है इसी से रिलेटेड। थ्योरम क्या है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ आर, इफ ए इज सबसेट ऑफ आर रियल नंबर्स का सबसेट है, एंड एफ इज फ्रॉम ए टू आर हैज अ लिमिट एट, एंड एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू आर हैज़ अ लिमिट, वो लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है कहाँ पे, एट सी पे। सी पे उसकी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, सी इज एलिमेंट ऑफ आर। सी किसका एलिमेंट है, सी वेयर सी इज एलिमेंट ऑफ आर रियल नंबर्स का एलिमेंट्स है, तो एफ इज बाउंडेड ऑन सम नेबरहुड ऑफ सी। Then f is bounded on some neighborhood of C। ये थ्योरम कि अगर a जो है वो सबसेट r का है, और f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू r, ठीक है, और फंक्शन जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एट सी, सी एलिमेंट ऑफ आर है, तो हम क्या कहेंगे कि एफ इज़ बाउंडेड ऑन सम नेबरहुड ऑफ सी। तो एफ जो बाउंडेड होगा सम नेबरहुड ऑफ सी पे, ठीक है। तो प्रूफ के लिए सपोज कर लें, प्रूफ सपोज दैट एफ हैज़ अ लिमिट एल, फर्ज कल उसने कहा कि एफ लिमिट रखता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है उसकी, सपोज एफ फंक्शन जो है फ्रॉम ए टू आर एज अ लिमिट एल एट सी, तो उसकी लिमिट एल है किसके, सी पे, उसकी लिमिट एल जो है एग्जिस्ट करती है, सी इज एलिमेंट ऑफ आर, देन तो क्या है इसका कि लिमिट एट सी पे उसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है, दैट लिमिट फर्ज का लियर वी सपोज दैट लिमिट इज वो क्या है एल है। अगर लिमिट एल है देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर डेल्टा, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, अब देखें एफ ऑफ एक्स माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या होगी डेल्टा, फॉर ऑल जो एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और लेस देन क्या होगा डेल्टा, ठीक है। ये क्योंकि इसकी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, और एक्स इज क्योंकि डोमेन की बात करें तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, फॉर एग्जाम्पल एक्स किसका एलिमेंट है डोमेन का, यानी इसकी फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है ए है। फॉर ईच, फॉर ईच अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है दैट इज एलिमेंट ऑफ
फॉर एग्जांपल एक्स जो है डोमेन ए का एलिमेंट है और एक्स जो है वो लेट से एलिमेंट है दोनों में मौजूद है, यानी वो डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी और इंटरसेक्शन ए का एलिमेंट है, ठीक है। जो एक्स है ये किसका एलिमेंट है, डेल्टा नेबरहुड, यानी सी के जो डेल्टा नेबरहुड्स हैं उनका सेट इंटरसेक्शन जो ए डोमेन है इसका, यानी इनके इंटरसेक्स जो है दोनों के इंटरसेक्शन का अगर एलिमेंट है तो एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। या आपको पता है इसको ये लेस देन इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एल एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये आपको पता है लेस देन है एप्सिलॉन प्लस क्या हो जाएगा एल एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ये अब देखें फॉर ऑल एक्स किसका एलिमेंट है, पता है आपको फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ एंड डेल्टा नेबरहुड सी इंटरसेक्शन ए का एलिमेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं टू केसेस कि जब सी ए, सी हमने कहा है कि दैट इज़ एलिमेंट ऑफ आर रियल नंबर्स का एलिमेंट है, तो सी जो है एक एलिमेंट हो भी सकता है नहीं भी, तो हम लेते हैं केस वन ले लेते हैं, केस वन व्हेन सी इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, जब सी एलिमेंट ऑफ ए नहीं होगा तो हम कह सकते हैं एप्सिलॉन प्लस एल एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज़ हम इसे क्या कह सकते हैं, ये क्या है एम, एम क्या है सम रियल नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ये लेस देन क्या होगा एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा एम, ठीक है। और वेयर फॉर ऑल एक्स किसके एलिमेंट है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ, फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ डेल्टा नेबरहुड, सॉरी डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, इसका क्या है ये एलिमेंट है, ठीक है। अब देखें यहाँ से क्योंकि एफ एक्स माइनस एल लेस देन क्या है एप्सिलॉन है प्लस है, अगर सी एलिमेंट है, सी इज़ एलिमेंट ऑफ ए का अगर एलिमेंट है तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लेट एम जो है दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू है, किसका मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स और दोनों का मैक्सिमम है, एक्स एक्स और एप्सिलॉन प्लस एल एप्सिलॉन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि सुप्रीमम कह दें कि दोनों का क्या है, लेट्स से सुप्रीमम है, एम जो है वो सुप्रीमम है दोनों में, एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू और ई प्लस डेल्टा एल, और तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एम, एक्स लेस देन इक्वल टू एम, इस सूरत में एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम द बोथ केसेस, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एम बोथ केसेस में देखें एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम बोथ केसेस जो एफ है इज बाउंडेड ऑन नेबरहुड ऑफ सी, दोनों से क्या बचता है एफ ऑफ एक्स, ये बाउंडेड की प्रॉपर्टी है बोथ केसेस, एफ ऑफ एक्स क्या आता है इज बाउंडेड ऑन नेबरहुड ऑफ सी के नेबरहुड पे क्या है ये बाउंडेड है दोनों केसेस में ही, तो ये थ्योरम क्या हो जाता है यहाँ पे प्रूव हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, अल्लाह हाफिज़।